हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। यदि हमारे पास कोई हिंदी सेंटेंस है तो हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है? तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल होता है। यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंतिम में गा, गी या फिर गे आए, जैसे कि मैं गणित पढ़ूंगा, आप अंग्रेजी बोलोगे या फिर वह खाना बनाएगी, मतलब कि किसी भी सेंटेंस के अंतिम में गा, गी, गे सेंस आए, तो हमें समझ जाना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलिए हम सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट, हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता है विल, तो सब्जेक्ट के बाद हमें विल राइट करना है। स्टूडेंट, हमारे पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर या फिर प्लूरल नंबर, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल का यूज करना है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हमें यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट राइट कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की थ्रू हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास, आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। तो स्टूडेंट, आप अंतिम में देख रहे हैं सेंटेंस के अंतिम में गे आ रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है किसका है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। यहाँ पे कौन, यदि हमारे क्वेश्चन में कौन का आंसर मिल रहा है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम यदि सेंटेंस से क्वेश्चन करें कि हमारे घर कौन आएंगे, मेहमान, तो मेहमान क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आएंगे, मतलब यहाँ पर आना हो जाएगा वर्ब। और इसके बाद हमारे घर, हमारे घर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो बचा आज, तो ये क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेहमान, तो मेहमान को अपन क्या बोलते हैं, गेस्ट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, द गेस्ट, क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, द गेस्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, विल, तो द गेस्ट विल कम, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विल कम, क्योंकि यहाँ पे कम वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, वर्ब। यहाँ पे वर्ब है आना, तो आना को अपन कम बोलते हैं, तो कम हो गया। फिर स्टूडेंट क्या है, द गेस्ट विल कम, हमारे घर, तो हमारे घर को हम क्या बोलेंगे, आवर होम, तो द गेस्ट विल कम आवर होम, क्या हो जाएगा, गेस्ट विल कम आवर होम। अब यहाँ पे स्टूडेंट अदर वर्ड है आज, तो आज को अपन क्या बोलते हैं, टूडे, तो यहाँ पर हो जाएगा टूडे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द गेस्ट विल कम आवर होम टूडे। अब चलिए हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अमन छत पर पतंग उड़ाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लास्ट में गा सेंस आ रहा है, मतलब ये किसका है सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है, अमन, तो अमन हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट। इसके बाद क्या काम कर रहा, उड़ाने का काम कर रहा, तो उड़ाना हो जाएगा वर्ब, और पतंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो छत पर हुआ ये क्या कहला जाएगा, हमारा अदर वर्ड, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद राइट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अमन, क्योंकि यहाँ पे अमन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें विल राइट करना है, तो अमन विल। यहाँ पे वर्ब क्या है स्टूडेंट, उड़ाना, उड़ाना को हम बोलते हैं फ्लाई, तो अमन विल फ्लाई, क्या उड़ाने की बात हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पतंग, तो अमन विल फ्लाई काइट। इसके बाद स्टूडेंट अदर वर्ड है हमारे पास छत पर, तो जहाँ पर भी पर सेंस आता है वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑन, कहाँ पतंग उड़ाने की बात हो रही है, रूफ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे रूफ, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अमन विल फ्लाई क्वाइट ऑन रूफ, ऑन रूफ मतलब छत पर, तो अमन पतंग उड़ाएगा कहाँ, छत पर, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, अमन विल फ्लाई क्वाइट ऑन रूफ। फिर स्टूडेंट हमारे पास अगला सेंटेंस है, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे, तो यहाँ पे याद कौन कर रहा है, तुम, तो तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो जाएगा, याद करना, वर्ब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद करना, और मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वर्ब, और ये हमारा क्या कहला जाएगा, अदर वर्ड कहला जाएगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास यू, तो सबसे पहले हमने लिख दिया यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब होता है विल, तो यू विल। फिर यहाँ पे स्टूडेंट वर्ब है याद करना, याद करने को अपन बोलते हैं रिमेंबर, क्या बोलते हैं, रिमेंबर, तो यू विल रिमेंबर मी, क्या हो जाएगा, यू विल रिमेंबर
किसे याद करने की बात हो रही है? मुझे। तो मुझे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव केस में मुझे को हम क्या बोलते हैं? मी। तो यू विल रिमेम्बर मी। इसके बाद जिंदगी भर, तो जिंदगी भर को अपन क्या बोलते हैं? होल लाइफ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होल लाइफ। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन, क्या हो जाएगा? यू विल रिमेम्बर मी होल लाइफ। अब हम चलते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना, जो भी हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है, बस बाकी सब सेम रहेगा। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद विल नॉट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है, मैं उसका इंतजार नहीं करूँगा। नहीं सेंस आ रहा, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। और स्टूडेंट वर्ब क्या है? इंतजार करना। ये क्या है? वर्ब। और उसका, उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, तो हमें लिख देना है आई। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखना है? विल नॉट, तो आई विल नॉट। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है इंतजार करना, इंतजार करना को हम बोलते हैं वेट, तो आई विल नॉट वेट। क्या हो जाएगा? आई विल नॉट वेट उसका, तो उसका को हम क्या बोलते हैं? हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, आई विल नॉट वेट हिम। अब चलते हैं स्टूडेंट अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है मैं यह बैग नहीं उठाऊंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब हो जाएगा उठाना। क्या हो जाएगा? उठाना। और यह बैग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो आई विल नॉट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब है उठाना, उठाना को हम बोलते हैं लिफ्ट। क्या बोलते हैं? लिफ्ट, एल आई एफ टी, तो आई विल नॉट लिफ्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यह बैग, तो यह बैग को हम क्या बोलेंगे? दिस बैग, तो आई विल नॉट लिफ्ट दिस बैग। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। तो स्टूडेंट कौन शोर मचाने की, कौन शोर मचाएगा यहाँ पे? विद्यार्थी मतलब कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और शोर मचाना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगा? शोर मचाना। और कक्षा में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास विद्यार्थी, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे? स्टूडेंट्स लिख देंगे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट, और शोर मचाना को हम बोलते हैं मेक अ नॉइज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेक अ नॉइज, तो स्टूडेंट विल मेक, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट विल नॉट, और शोर मचाना को अपन क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कक्षा में, तो क्या लिख देंगे? इन द क्लास। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जैसा कि क्या आज पानी बरसे गया, क्या भारत मैच जीतेगा। तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम विल राइट कर देंगे। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उस सेंटेंस का, उस टेंस का, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या था? विल। तो सबसे पहले हमें विल राइट करना है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस हमारे पास है क्या आज पानी बरसेगा। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था जब भी पानी बरसने की बात होती है वहाँ पे सब्जेक्ट क्या आता है? इट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या ले लेंगे? इट। और वर्ब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पानी बरसना। तो पानी बरसना को हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टूडे। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? विल। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट हमें इट राइट करना है क्योंकि पानी बरसने की बात हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या राइट करना है? वर्ब। तो विल इट, वर्ब क्या है यहाँ पे? रेन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेन। और ऑब्जेक्ट क्या है? आज। तो यहाँ पे लिख देंगे टुडे, विल इट रेन टुडे। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है क्या भारत मैच जीतेगा। अब ये भी क्या से शुरू हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे विल। इसके बाद कौन मैच जीतेगा? इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट इंडिया, विल इंडिया। और जीतना को अपन बोलते हैं विन, तो क्या हो जाएगा? विल इंडिया विन। इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट मैच, यहाँ पे मैच जीतने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? विल इंडिया विन मैच।
इसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप अंग्रेजी बोलोगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे बोलना हो जाएगा वर्ब, बोलना क्या हो जाएगा वर्ब, और आप हो जाएगा सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, विल राइट करेंगे, तो विल, इसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो यू, इसके बाद वर्ब क्या है स्टूडेंट, बोलना, बोलना को अपन क्या बोलते हैं, स्पीक, तो विल यू स्पीक, क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश, विल यू स्पोक, सॉरी क्या हो जाएगा, विल यू स्पीक इंग्लिश, फिर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। अब हम जानते हैं स्टूडेंट ऐसा टाइप जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले राइट करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं विल, इसके बाद सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद वर्ब मतलब कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चलिए हम इन एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, आप कब तक गणित पढ़ोगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड आ गया कब तक। तो स्टूडेंट हम कब तक को क्या बोलते हैं, कब तक को हम बोलते हैं अंटिल वेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा अंटिल वेन, इसके बाद हमें विल राइट करना है, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आप, ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा स्टूडेंट वर्ब, और क्या पढ़ने की बात हो रही है गणित, तो गणित क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे अंटिल वेन, कब तक को हम क्या बोलते हैं अंटिल वेन, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे अंटिल वेन, क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट अंटिल वेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल होता है तो अंटिल वेन विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू तो यू, इसके बाद वर्ब है स्टूडेंट पढ़ना, पढ़ना को अपन बोलते हैं रीड, तो रीड, क्या पढ़ने की बात हो रही है स्टूडेंट गणित, तो गणित को हम क्या लिख देंगे मैथ्स, वैसे हम इसको मैथमेटिक्स बोलते हैं लेकिन शॉर्ट में हम मैथ्स राइट कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा अंटिल व्हेन विल यू रीड मैथ्स। अब चलिए अगले सेंटेंस पे हम आते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारे पास, तुम वहाँ क्या करोगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, और सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, और वर्ब हो जाएगा करना, वर्ब क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे करना। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले क्या है, तो क्या को हम क्या बोलते हैं व्हाट, तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल तो व्हाट विल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे तुम, तुम को हम क्या बोलते हैं यू, तो व्हाट विल यू, इसके बाद वर्ब राइट करना है तो वर्ब हमारे पास है डू तो व्हाट विल यू डू, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है देयर, मतलब कि वहाँ, तो वहाँ को हम देयर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे देयर, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा व्हाट विल यू डू देयर। अब चलिए अगला ट्रांसलेशन है हमारे पास, अगला सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो स्टूडेंट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड कौन आता है, जब भी क्वेश्चन वर्ड में कौन आता है तो कौन एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, मतलब कौन को हम क्या मानते हैं सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हु, और यहाँ पे स्टूडेंट हु किसका काम करेगा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद अपन क्या राइट करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हु विल, इसके बाद स्टूडेंट पढ़ाना, पढ़ाना को अपन क्या बोलते हैं टीच, तो हु विल टीच, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट तुम्हें, तो हु विल टीच यू, क्या पढ़ाने की बात हो रही है स्टूडेंट अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को अपन बोलते हैं इंग्लिश, तो हु विल टीच यू इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा हु विल टीच यू इंग्लिश, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सारे टाइप पढ़ लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपसे सेंटेंस ट्रांसलेशन करते नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।